सभी का आज इस दीप पर्व पर हम सबकी तरफ से। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं हूँ संगम में और यहाँ पे आज मतलब 7 तारीख को मनाया जा रहा है देव दिवाली। तो चलिए आज मैं यहाँ पे आपको विजिट करवाता हूँ। और इधर स्कूल के बच्चे जो है आ चुके हैं, कई सारे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कई सारे जो है बच्चों के द्वारा यहाँ पे तकरीबन लाखों दिए जलाए जाएंगे दिवाली के उपलक्ष्य में। तो चलिए आपको मैं तैयारियां दिखाता हूँ और व्लॉग को एंजॉय करवाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो कि दियालियों में मतलब दियों में तेल भरा जा चुका है, बाती लगा दी गई है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और कई सारे स्कूल के बच्चे और काफ़ी भारी मात्रा में यहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे तक भी बहुत ज़्यादा दूर तक ये दियालियों को रखा गया है और ऐसे ही सजा सजा करके रखा गया है, आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। तो इधर जो है प्रशासन भी आई हुई है क्योंकि भाई काफ़ी बड़ा भीड़ यहाँ पर होने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर नाव में भी सजा रहे हैं क्या यार, शायद। और देखिए ना, इस पे लिखा हुआ है महाकाल। तो ऐसे काफ़ी जो है यहाँ पे दियालियाँ हैं और देख रहे हैं वहाँ पे दियालियाँ शायद जलाना स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो अभी जो है यहाँ पे कुछ बच्चे हमको मिले हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं किस विद्यालय से आए हुए हैं और यहाँ पे इन लोगों ने कौन सा यहाँ पे मतलब कितना सजावट इन लोगों ने किया है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं हेवानी प्रयागराज से स्काउट छात्र हूँ। कौन से क्लास से हो आप लोग? मैं 9th क्लास से हूँ। तो इस मतलब दीपोत्सव को मनाने के आप लोग कितने दिन से यहाँ पे मतलब तैयारी कर रहे हो, कितनी देर से यहाँ पे आप लोग आए हुए? हम लोग सुबह 12-1 बजे से आए हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कहाँ तक के दियों को लगाया है? हमने पूरा ये कवर करा है, सेक्टर 2 का। मतलब ये जो महाकाल वगैरह लगाया सब आप लोगों ने? यस। तो मतलब अभी कितनी देर बाद आप लोग जो है, कितने लोग आए हो पूरी? 16 लोग। मतलब पूरा आप लोगों ने सिर्फ 16 लोगों ने इतना किया है? यस सर। सेक्टर 2 को पूरा नहीं, सब कुछ और स्काउट गाइड्स के लोग आए थे। अच्छा जी, और वो भी थे साथ और प्राथमिक विद्यालय के हमारे अध्यापिकाएं भी। अभी वो लोग कहाँ पे हैं? वो सर ये सब ये अभी सर आपके विद्यालय के अधिकारी? नहीं, हमारे नहीं सर, अन्य विद्यालय प्राथमिक, हम लोग इंटर माध्यमिक कॉलेज से, इंटर कॉलेज। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये सेक्टर 2 का जितना भी डेकोरेशन किया है ये 16 बच्चों ने और मतलब कुछ और विद्यालयों के बच्चों ने किया है। तो इन लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा? तो चलिए अभी और आपको मैं दीपोत्सव दिखाता हूँ। अभी इन लोगों ने कुछ दियों को जलाया है और अभी जब जलाते हैं फिर से हम लोग आते हैं। तब तक चलिए आपको मैं संगम में जहाँ जहाँ पे भी है और कवर अप करके दिखा देता हूँ। लोग हाय कर दो। तो चलिए चलते हैं और भी इन्जॉय करवाते हैं आपको, और भी दिखाते हैं। तो इधर ये गर्ल्स जा रही हैं, लगता है इनका जो टारगेट था उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी चलते हैं और डेकोरेशन आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी दूर तक लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बच्चे ही बच्चे सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे, कई सारे स्कूल्स के यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग स्कूल के, अलग अलग डिग्री कॉलेज के, इंटरमीडिएट कॉलेज के, सभी स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे लगभग आए हुए हैं। और अब दीपोत्सव मतलब दिया जलाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिए। तो इधर आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पटाखों को सेट किया जा रहा है। अभी शायद ये खाली है, तो अभी ये खाली है, बाकी अभी इसको बनाया जा रहा है। जब ये बनेगा तब रात को इसको जलाया जाएगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इलेक्ट्रिक पटाखे को बजते हुए नहीं देखा। यहाँ पे देख रहे तारों का जंजाल एकदम लगाया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं आप लोग, ये शाम हो चुकी है और दिया जलाना स्टार्ट कर चुके हैं लोग। और इधर आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा दीप जो है जलाई जा चुकी हैं। तो काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है, अभी तो और ज़्यादा दियों को जलाना बाकी है। तो कुछ लोग यहाँ पर जला भी रहे हैं, बाकी देखने में काफ़ी मनोहर लग रहा है यह दृश्य। और इधर आप लोग देख रहे हो कि मतलब कैन कैन तक यहाँ तेल आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि इतना बड़ा पर्व है ये। तो देख रहे कितनी खूबसूरत रंगोली यहाँ पे बनाई गई है दियों की मदद से और कलर्स की मदद से। और यहाँ पे स्वास्तिक बनाया गया है और उस पर दिया जलाया जा रहा है।
तो ये आप लोग देख सकते हो इधर में, मतलब ये पहाड़ बनाया गया है जिसपे कलश की डिज़ाइनिंग की गई है, जो कि मतलब बालू से बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और इधर जो है आपको मैं दिखा दूँ, पूरा का पूरा संगम का ये यहाँ पे जो है देव दीपावली के अवसर पे अभी वहाँ पे स्टेज बना हुआ है जहाँ से गंगा माँ की आरती स्टार्ट होगी। तो अभी काफ़ी मतलब भव्य यहाँ का नज़ारा है। थोड़ा सा जो है भी कोई वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं तो उनका वेट किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो है आरती प्रारंभ होगी। बाकी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हुए इस देव दीपावली के पावन अवसर पे माता गंगा के तट के किनारे। कि आज धरती का तम हम सब मिलके हर कर रहेंगे और हमें उसके तेज की गति को भांपना भी आना चाहिए, पहचानना भी आना चाहिए। A few moments later, सबका हमारे अतिथियों का बहुत जोरदार तालियां और एक बार इन तालियों की गूंज के बीच आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो ये सामने का जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है या देव दीपावली का स्टेज है, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इधर देख सकते हैं दीप जलाना लोग प्रारंभ कर चुके हैं और काफ़ी यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं। तो ये देखिए काफ़ी प्यारा नज़ारा है और हर एक व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी प्रशासनिक कर दी गई है। तो बहुत ही लोग आए हैं तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस साइड आपको संगम का तट देखने के लिए मिल जाएगा और संगम से ही सके देव दिवाली मनाने के लिए काफ़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। तो सोचा था कि हम आज गंगा आरती देख लेंगे बट काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी तो हम लोगों को जाने में तकलीफ़ होगी, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। बट कोई नहीं, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।